खबर शिवपुरी से है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिवपुरी के पौहरी विधानसभा क्षेत्र के वैराड़ नगर में शासकीय महाविद्यालय निर्माण के लिए उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जिसमें ये मांग की गई है कि महाविद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाए और महाविद्यालय प्रारंभ किया जाए। वही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यह बताया है कि वैराड़ तहसील क्षेत्र में अभी तक एक भी शासकीय विद्यालय नहीं है, जबकि वैराड़ तहसील एक समृद्ध एवं बहुसंख्यक तहसील है। इसके बावजूद भी कोई भी शासकीय महाविद्यालय नहीं है, जिससे कि यहाँ के छात्र छात्राओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्र छात्राओं को शिवपुरी, पौहरी, विजयपुर, ग्वालियर, मुरैना, कोटा, राजस्थान और अन्य जिलों में अपना अध्ययन करने जाना पड़ता है। शासकीय महाविद्यालय को लेकर शासन प्रशासन का रवैया सुस्त बना हुआ है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के दौरान मंच से महाविद्यालय बनवाने की घोषणा की थी और महाविद्यालय को बनवाने के काला मढ़ के सर्वे नंबर 571 और 1 में 2 हेक्टेयर भूमि भी दी गई थी, जिसे आज तक भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त नहीं कराया गया है। यहाँ कॉलेज की मांग को पूरा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कॉलेज बन नहीं रहा, बहुत सालों से पुराने सीएम साहब भी यहाँ पर घोषणा कर गए, लेकिन कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा। घोषणा कई बार हो चुकी है लेकिन पूरा नहीं किया जा रहा। हम यहाँ पढ़ने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ अगर कॉलेज होता तो हम यहीं पर पढ़ सकते थे और कन्याएं नहीं जा पाती, इससे दूर मतलब दिक्कतें आती रहती हैं। महाविद्यालय और कॉलेज बनवाने की मांग करनी है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ हैं वो दूर पढ़ने नहीं जा पाती हैं, और अगर किसी को पढ़ना है तो वो 100 या 200 किलोमीटर जाना पड़ता है किसी को अगर पढ़ना है आगे कॉलेज के लिए। इसलिए और सीएम भी घोषित कर गए हैं कि यहाँ बैराड में कॉलेज बनना चाहिए, पर ये कार्य अधूरा ही पड़ा है, पूरा नहीं हुआ। जानकारी के लिए हमारे साथ कमर खान जुड़े हुए हैं। कमर खान, हम जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर ज्ञापन दिया है और बच्चों को यहाँ पर कई समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर क्यों अभी तक वहाँ पर महाविद्यालय को लेकर कोई भी सरकार ने फैसला नहीं लिया है, और आखिर कब से ये सारी सिचुएशन जो वहाँ पर है देखने को मिल रही है? ये जो अपना शिवपुरी जिले का बैराड़ क्षेत्र है और काफी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ शिवपुरी से करीब जो है 45-50 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ कई ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, जो कई परिजन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे पढ़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 10वीं और 12वीं तो तक तो जो है बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। इसके बाद में 12वीं के बाद अगर बच्चों को कोई डिग्री करना है या उनको उच्च स्तरीय कोई पढ़ाई करना है तो उसके लिए जो है उनको वहां से बाहर ही जाना पड़ता है। ग्वालियर है, बड़े शहरों में ही, या शिवपुरी है या राजस्थान है, मतलब अन्य शहरों में ही जाके उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। और काफी समय से इन लोगों के द्वारा जो है ये मांग की जा रही है कि यहाँ महाविद्यालय बनाया जाए, और अभी जो पिछला ये अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा, उस समय काफी कुछ वहां पे राजनेता भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी मंच से ये आदेश किया था कि यार जल्द से जल्द जो है महाविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। बच्चों की काफी यहाँ परेशानियां को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था, और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा वहां पे एक जो विद्यालय के लिए भूमि भी आरक्षित की गई है, लेकिन उस भूमि पे आज तक जो है जो अतिक्रमण भूमाफियाओं के द्वारा किया गया है वो अतिक्रमण भी नहीं हटाया गया है, और आज तक वहां कोई ऐसा मतलब नींव भी नहीं रखी गई है कि कोई शुरुआत का कोई कदम उठाया हो। तो प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है महाविद्यालय को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने जब इसकी घोषणा मंच से की थी और यहाँ तक कि इसके लिए जमीन भी आवंटित की गई थी और उस जमीन पर अब आरक्षण देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक उस पर कुछ क्यों नहीं कर रही है? मतलब ये बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये मतलब एक चुनाव के दौरान ही उन्होंने मंच से कहा था, और उसके बाद भी सरकार ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं किया है, ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा भी जो है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर काफी बेहतर, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और लगातार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो
ये जो भी आदेश होता है या जो भी निर्देश जारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल, लेकिन वो मौके पर जो अगर मौके पर देखा जाए तो वो सिर्फ निर्देश हवा में ही तैरते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेदार अधिकारी है या जो जिम्मेदार जो है शासन में उनके द्वारा, मतलब जो राजनेता है, जो स्थानीय राजनेता है, उनके द्वारा भी उस ओर कदम नहीं उठाया जाता। कहीं ना कहीं उस पर एक लापरवाही की कहा जाए तो लापरवाही बहुत बड़ी बरती जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो ढील यहाँ पर दी जा रही है और तमाम जानकारी के बाद ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से ये बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ होते हुए देखा जा सकता है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिवपुरी के पौहरी विधानसभा में वैराट नगर में ज्ञापन सौंपा है, जहां पर महाविद्यालय को लेकर बड़ी बात कही गई है। और कहीं ना कहीं शिवपुरी में ये समस्या पहले से चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भू माफियाओं के द्वारा जो जमीन आवंटित की गई थी वहां पर कब्जा कर लिया गया है और कब्जे से अभी तक उस जमीन को मुक्त नहीं कराया गया है।